साथियों साथियों मैं भूप सिंह साथियों काफी वक्त से ये क्वेश्चन उठ रहे हैं हम पर कि हम लोग काम नहीं कर रहे या हमारे प्रूफ में कोई दम नहीं है या जो हम केस कर रहे हैं वो बोगस है। तो साथियों हम लोगों ने डिसाइड किया हमारे पास जो भी एविडेंस है हम उन सभी एविडेंस को वायरल कर देंगे और जो क्वेश्चन डिलीट होने थे डीएसएसपी ने जो 15 क्वेश्चन जो डिलीट किए हैं वो एक्चुअल में 39 या 40 क्वेश्चन की जो लिस्ट हमारे पास वो डिलीट होने चाहिए। जो डीएसएसपी ने पहले बोला था कि एग्जैक्ट रिप्लिका क्वेश्चन हम लोग डिलीट करेंगे ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एग्जैक्ट रिप्लिका नहीं है वो भी डीएसएसपी ने डिलीट किए हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रेप्लिका भी हैं और वो सिमिलर भी हैं जो डीएसएसपी ने डिलीट किए हैं, उनकी लिस्ट हम लोग वायरल कर रहे हैं कल और आज अभी भी अपलोड हो जाएगी कुछ ही देर में। सब बच्चे देख सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस के नाम पर कैसे धांधली हुई है। ये लिस्ट है भैया वो जो हम अभी थोड़ी देर ना इसका पीडीएफ आ जाएगी, पीडीएफ फाइल इसकी पूरी लिस्ट के 2 पेज आई है। इसके ऊपर जो स्टार लगा हुआ है जिस क्वेश्चन के पीछे जिस क्वेश्चन नंबर के पीछे वो डीएसएसपी ने डिलीट किया है। इसमें हमने किस तरह बना रखे हैं, ये एक साइड लिख रखे हैं जैसे 30 सितंबर से जो पेपर था 30 सितंबर वाला, 30 से 13 में, 30 से 14 में और 30 से 28 में, और फिर क्या है बाद में है ये है हमारा 13 से 28 में और 14 से 28 में। तो इसमें 13 से 14 वाले क्वेश्चन आया, कितना एक दो रिपीट होगा वो हमने चेक भी नहीं किया। बाकी ये 39 क्वेश्चंस हैं, अगर डिलीट करने हैं तो सारे डिलीट करो, नहीं तो फिर जो इन्होंने किए हैं किस पेज पे किए हैं ना, इन्होंने बोला था स्टार्टिंग में जो इन्होंने नोटिफिकेशन भी डाला उसमें कि या तो एग्जैक्ट रेप्लिका हो या सेम मीनिंग हो, तो जो हमने आप खुद चेक कर सकते हो, सबके पास क्वेश्चन पेपर भी है, हमने क्वेश्चन नंबर डाल रखे हैं, आप देख सकते हो सबको, ठीक है। साथियों आज हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन वायरल कर रहे हैं और कल हम एनआईएस का वो सिलेबस वायरल करेंगे जो इन्होंने लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठा रखे हैं। मैं आप लोगों को दूंगा 51 क्वेश्चंस, कैसे इन्होंने लाइन टू लाइन उठा के दिए, कैसे 13 तारीख के 61 क्वेश्चन इन्होंने उठा के दिए, कैसे 14 तारीख के 61 क्वेश्चन उन्होंने उठा के दिए और कैसे 39 क्वेश्चन इनके 28 तारीख वाले पेपर में आए। तो साथियों मैं आप सभी से ये कहना चाह रहा हूं कि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सिलेक्ट नहीं हुए, किस्मत के नाम पे लॉटरी लगा दी गई। पहले इन लोगों ने एक सोर्स लीक किया, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन बुकलेट देकर सबको बताया पेपर कहां से आएगा, फिर इन्होंने क्वेश्चन रिपीट किए, एक शिफ्ट में 28 तारीख के शिफ्ट में 31 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर डीएसएसपी को क्वेश्चन डिलीट ही करने हैं 30 तारीख के, जैसे 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो फिर डीएसएसपी को 26 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ेंगे 30 तारीख के, 10 क्वेश्चन 13 तारीख के करने पड़ेंगे, 14 तारीख के 11 करने पड़ेंगे और 31 क्वेश्चन इन लोगों 28 तारीख के करने पड़ेंगे, तब इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क पुट हुआ कि आप कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे और कैसे आपने अनड्यू जो बेनिफिट है वो बच्चों को दिया गया। तो साथियों आप अभी चेक कीजिए, आपके नेट पे पीडीएफ फाइल आती ही होगी और जो भी प्रूफ हमारे पास है उस सभी प्रूफ को हम लोग वायरल करेंगे और आप सभी लोगों को अगर लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं हम लोग सही हैं तो प्लीज हमारा साथ दीजिए और इस इनजस्टिस की लड़ाई में आगे का हाथ बढ़ाकर सहयोग कीजिए। धन्यवाद।